गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ रीनू सिसोदिया, आई एम योर मैथ्स टीचर। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीटली पढ़ा दिया है एंड आज आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होता है एंड सेकेंड चैप्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, अभी तक हमने क्या किया था, नंबर्स को काउंट किया था एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में, एंड अब हम क्या करेंगे, उन्हीं नंबर्स को एडिशन एंड हम सब्ट्रैक्शन करेंगे लार्जेस्ट डिजिट में। ओके, तो फर्स्ट हमने क्या किया था, लुक एट दिस रिवीजन। ठीक है, रिवीजन फोर डिजिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रिवीजन फोर डिजिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपको देखिए दिया हुआ है 2456 एट 3421, तो आपने यहाँ पे ऐड किया है 5877 आपका आता है। ओके, सेकेंड डे आपने 9456 को ऐड किया 497 में, तो आपका आएगा 9953। ओके, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे और नीचे सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन आप करेंगे, जो आपको डिजिट दिया रहेगा उससे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में हमेशा लार्जेस्ट डिजिट से स्मॉलेस्ट डिजिट को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या होता है, डिफरेंसेस, जो उसको दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमारा डिफरेंसेस हम निकालते हैं सब्ट्रैक्ट करके। ओके, अब आपका क्या आता है, यहाँ पे आपको लेट्स फाइंड आउट, ठीक है, एडिशन फाइव डिजिट एंड सिक्स डिजिट नंबर्स। अब हम यहाँ पे करेंगे आपका लेट्स ट्राई वन। ओके, लेट्स ट्राई वन में फर्स्ट पॉइंट आपका दिया है, एट द फॉलोइंग आल्सो फिल इन द प्लेस वैल्यू हेयर्स वेवर नीडेड। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपका है वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। ये तो आपको मैंने अभिकस में ऑलरेडी पहले रिप्रेजेंट करना है, बताया है वर्ड्स के अकॉर्डिंग भी एंड नंबर्स के अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिजिट आपको दिया हुआ है 810 एंड 1, ठीक है, थाउजेंड की प्लेस तक, एंड आपको 7537, ठीक है, 7537 ये आपको क्या करना है, ऐड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ऐड करेंगे, 7 एंड 7 14 एंड 1 15, 15 का 5 1 हमारा कैरी आ जाएगा, 3 एंड 1 4 एंड 1 5 एंड 5 7 एंड 1 8। जब हमारे पास जीरो होता है और कोई डिजिट नहीं होता है तो जो डिजिट हमारे पास होता है वो उतर जाता है, ठीक है, वही हम सेम लिखते हैं। अब बी पॉइंट में आपका क्या है, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में अभी बोला है फिल इन द ब्लैंक्स प्लेस वैल्यू, ठीक है, फिल इन द प्लेस वैल्यू, जहाँ पर भी आपको प्लेस वैल्यू नहीं दिए वो आपको फिल करनी है। तो आपको ऑलरेडी पता है प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया हुआ है कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, तो वही आपको यहाँ फिल करना है। जैसे वंस, तो ये किसकी पोजिशन है, टेंस की, हंड्रेड, थाउजेंड, ये किसकी पोजिशन है, 10,000 की। ओके, अब वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, हंड्रेड की पोजीशन पर अगर कोई जहाँ कोई डिजिट नहीं दिया होता है वहाँ हम क्या लिखते हैं, ज़ीरो लिखते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, एंड थाउजेंड की पोजीशन पे 5 एंड 10,000 की पोजीशन पे 3। ओके, एंड यहाँ पे आपका दिया है 14,232, ये आपको एडिशन करना है, 2 एंड 1 3 3 एंड 2 5 0 एंड 2, तो सेम आप पर 2 ही उतर जाएगा, 5 एंड 4 9 3 एंड 1 4। इसी तरीके से मान लीजिए अगर अब आपके यहाँ पे तीन डिजिट हो गए हैं, अगर तीनों को ऐड करना है तो आप इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, अगर फोर डिजिट को ऐड करना है तो चारों को आप एक फोरों को एक साथ लिख के आप नीचे ऐड करेंगे, ठीक है। डिजिट कितना भी लार्जेस्ट क्यों ना हो, उसे आप डिजिट के नीचे ही लिखिए और उसे ऐड करिए। जब आप डिजिट के नीचे ही लिखेंगे तो आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा, अगर आप आगे पीछे लिखते हैं तो वो हमेशा गलत होगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ वन लिखा है और यहाँ आप टू लिखते हो, फिर यहाँ आपका थ्री आ जाता है, फिर यहाँ टू, और फिर यहाँ आप फोर कर देते हो, तो इससे क्या होगा, ये हमेशा आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से नहीं लिखना, हमेशा ऐसे ही आप लाइन से लिखेंगे, जब लाइन से लिखेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। इसी तरीके से क्या करना है आपको, बाकी के सारे आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद आपका आता है लेट्स फाइंड आउट सब्ट्रैक्शन ऑफ फाइव डिजिट एंड सिक्स डिजिट नंबर्स, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया था, फोर डिजिट आपको फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, ऐड कर और सब्ट्रैक्शन करेंगे फाइव और सिक्स डिजिट को। ओके, यहाँ पे देखिए हमने, यहाँ पे आपकी एक स्टोरी आती है, ठीक है, वी नाउ हाउ टू सब्ट्रैक्ट नंबर्स टिल फोर डिजिट, नाउ लेट अस लुक एट द रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शिंग लार्जर नंबर, ठीक है। क्या है, यहाँ पे आपको हम लोगों ने क्या, पहले फोर डिजिट के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया था, अब हम क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग फाइव डिजिट के लार्जेस्ट नंबर को हम सॉल्व करेंगे। अ मर्चेंट वांट्स टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कारपेट्स ही सोल्ड दिस ईयर, ठीक है।
एक का इस बार क्या होता है कि जो व्यापारी होता है वो क्या करता है, कारपेट्स को सेल करने के लिए, बेचने के लिए इस साल लेके आता है। लुक एट द टोटल नंबर ऑफ कारपेट्स, कारपेट का टोटल नंबर क्या है, ही एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, इस साल वो कारपेट का टोटल नंबर निकालने के लिए हमें बीट्स दिए हुए हैं, एज सो ऑन द अबेकस, वो नंबर हमें क्या करना है, अबेकस में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिए हैं, बीट्स दिए हैं, और कारपेट्स का टोटल नंबर हमें क्या करना है, बीट्स के अकॉर्डिंग उसको शो करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो वंस पे 7, टेंस पे 2, हंड्रेड्स पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, काउंट करके आप हमेशा लिखेंगे, एंड टेंस पे 1, 2, 3, सॉरी हंड्रेड्स पे, सॉरी थाउजेंड पे 1, 2, 3, एंड 10,000 पे 1, 2, 3, 4। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या डिजिट आता है, 43,627। तो जो व्यापारी था उसने कारपेट का कितना रेट बताया, 43,627। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ कारपेट, ये हमारे पास क्या आया है, कारपेट्स का टोटल नंबर आया है, इतना उसने रेंज बताया एक कारपेट का। तो सॉल्व इन कॉलम्स, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें, हमने जो इसे ख़रीदा है, नाउ ही हैज़ 31,416, ये देखिए आपकी बुक्स में दिया है, लुक एट दिस बुक, ये है, नाउ ही हैज़ 31,416 कारपेट्स इन हीज वेयर हाउस, हम उसे घर कितने में लेके आते हैं, 31,416 में, क्रॉस आउट दिस नंबर ऑन द अबेकस, इसे हमने क्या किया है, अबेकस में हम इसे इसी के नीचे इसी के नीचे लिखते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं, तो कितना है, 31,416। ओके, अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, अलग से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे, ये क्या है, ये वाला रेंज जो है ये व्यापारी ने हमें बताया है, और ये वाला रेंज जो है ये हमने व्यापारी से कम रेट लगा के उसे ख़रीद लिया है। ठीक है, तो उसने हमें ये इतने में बेच दिया है, तो 7 में से 6 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस 1, 6 में से 4 माइनस 2, एंड 4 में से 3 माइनस 1। तो ठीक है, आपके पास क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कॉमा का हम लोग पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, 12,211। ओके, तो हमारे हमें कितना डिस्टेंस आया दोनों के बीच में, 12,211। ठीक है, कारपेट का जो सेल है उसने जितना रेट उसने हमें ज़्यादा बताया था वो कितना बताया था, 12,211। ठीक है, अब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर कारपेट्स ही हैड मेड इन प्रीवियस टू ईयर्स, दो साल में उसका रेट कितना हो जाएगा, तो इसने हमें फर्स्ट ईयर का बताया है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का हमारा कितना था, फर्स्ट ईयर का हमें इतना बताया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आता है लेस ट्रैक टू। ठीक है, क्या आएगा आपका, लेस ट्राई टू, ये ध्यान रखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स करते समय, लेस ट्राई वन में जहाँ पर भी आपको डिस्टेंस ये चीज़ नहीं दी रहेगी वहाँ पे आप क्या करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आता है लेस ट्राई टू। ठीक है, लेस ट्राई टू में आपको क्या दिया है, सब्ट्रैक्ट, क्या दिया है, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट का हमारा सिंबल क्या होता है, ये। ठीक है, माइनस आल्सो, इसी तरीके से हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है, यहाँ पे भी आपको सेम दिया हुआ है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000, ये तो आपको अच्छे से याद ही हो गया होगा। अब यहाँ पे आपको डिजिट दिया है 56,000, अगर टू डिजिट थाउजेंड की पोजीशन पे तो आप कैसे उसे काउंट करते हैं, 56,000। ओके, 102, अब 47,593। ओके, सब्ट्रैक्ट किया आपने, तो आपने क्या किया, टू से थ्री माइनस नहीं होगा, तो हम जीरो से तो कैरी ले नहीं सकते, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे। ओके, वन कैरी लिया तो 10, एंड 10 में से वन कैरी लिया तो 12। ओके, तो 12 में से आप थ्री माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएंगे, 9। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 9 का 0, यहाँ पे अब 0 है क्योंकि हमने 1 कैरी ले लिया था, तो अब यहाँ 6 से हम 1 कैरी लेंगे, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 5 है, 5 में से 7 माइनस नहीं होंगे तो हम 1 कैरी लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे 15 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ 8 आएगा। ओके, 4 का 0। ओके, इस तरह से आप क्या करेंगे,
सबट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो सारे सबट्रैक्शन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में आपको क्या दिया है, मिसिंग नंबर्स। क्या दिया है, मिसिंग नंबर्स। लुक एट दिस बुक, बुक में आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में फाइंड द मिसिंग नंबर्स दिया है। तो यहाँ पे 10,000 और ये लैक्स और ये इसकी प्लेस आपको फिल करनी है। एंड नंबर्स भी दिए हुए हैं, आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। जिस डिजिट को जिससे जितना सब्ट्रैक्ट करने पर आता है वो डिजिट आपको वहाँ पे फिल करना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, अ फाइव डिजिट नंबर इज मेड अप अ डिफरेंस डिफरेंट डिजिट है दैट आर ऑल ऑड नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो वन से लेकर टेन तक के डिजिट में जो भी आपके ऑड नंबर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 and 9। एंड बी पॉइंट सबट्रैक्ट द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट 1000 प्लेस फ्रॉम इट्स प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे सबट्रैक्ट फेस वैल्यू, ठीक है, डिजिट एट 1000 प्लेस, 1000 प्लेस पर जो है आपका उसमें से आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू को बताना है, ठीक है। फेस वैल्यू से प्लेस वैल्यू को आपको बताना है 1000 के प्लेस तक। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर दैट यू कैन मेक डिफरेंट फाइव डिजिट नंबर, यहाँ पे आपको फाइव डिजिट नंबर बताना है। तो फाइव डिजिट नंबर आपका क्या है, 68,000। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 1000 प्लेस, 1000 प्लेस की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8000 होगी। व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 1000 प्लेस, 1000 प्लेस की यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है, 8 होगी, क्योंकि फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। सबट्रैक्ट द फेस वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों बताना है, तो क्या है, 7,992, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इन योर नोटबुक, आपको क्या करना है, 5 वाले में सबट्रैक्ट करना है एंड 6 वाले में आपको यहाँ पे क्या करना है, सबट्रैक्ट ही करना है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट डे आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे लेट्स फाइंड आउट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे लेट्स फाइंड आउट चैप्टर सेकंड का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, गुण। तो ऑर्डर और कम्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जब हम ऐड करने पे, ठीक है, डिजिट हमारा सेम आता है और क्या होता है, उसकी प्लेस या ऑर्डर चेंज नहीं होता है। तो इसमें देखिए, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स डज नॉट चेंज द सम, मतलब ऑर्डर चेंज होता है बट सम चेंज नहीं होता। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 + 3, ठीक है, अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, 5। एंड देखिए अब यहाँ पे सम क्या हुआ है, ऑर्डर चेंज हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 + 3 है बट यहाँ पे क्या है, 3 + 2 है, बट क्या है, सम सेम है, दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, दोनों में ही 5 आएगा, कोई चेंज नहीं है, ओके। तो ऐड नंबर, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर्स को ऐड करेंगे, 1 and 1, 2, 4 and 5, 9, 3 and 2, 5, 2 and 4, 6 and 3 and 1, 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको देखिए डिजिट क्या हुआ है, दोनों को हमने ऐड किया है तो नंबर हमारा जो आंसर आया है, देखिए जब हम नाउ ऐड, अब जब उसी चीज़ को हम रिवर्स करते हैं, ठीक है, चेंज ऑर्डर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, बट देखिए हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, सम चेंज नहीं होगा, सम सेम है बट क्या हो रहा है, ऑर्डर चेंज हो गया है। पहले हमने यहाँ पे 34,251 को लिखा था एंड 12,341 को हमने बाद में लिखा था, अब हम क्या करेंगे, 12,341 को पहले लिखेंगे एंड 34,251 को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 and 1, 2, 4 and 5, 9, 2 and 3, 5, 4 and 2, 6 and 3 and 1, 4, लुक एट दिस डिजिट, 46,592 and 46,592, दोनों में क्या हुआ है, सेम आंसर आया है, ऑर्डर चेंज हुआ है बट आंसर चेंज नहीं हुआ, डिजिट चेंज नहीं हुआ, बस उसका क्या हुआ था, इधर से डिजिट हमने इधर लिख दिया था, ओके। आप देखिए जब हम इसी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12,341, 1 and 3, 1 क्या है, स्मॉल है एंड 3 लार्जेस्ट डिजिट है, तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। बट जो देखिए नाउ ट्राई, अगर हम दोबारा ट्राई करते हैं 34,251 से 12,341 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर वाला डिजिट जो है वो लार्जेस्ट डिजिट है। तो कर दिस, 1 and 1 का 0 एंड 5 में से 4 माइनस होगा 1 एंड नेक्स्ट 2 में से 3 माइनस होगा 9, तो हम क्या कहेंगे, 12 में से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे 9 एंड यहाँ पे अब हमने 1 कैरी लिया था तो यहाँ कितना है 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1
एंड 3 में से 1 माइनस होगा तो 2, तो आपके पास कितना आता है 21,910। ओके, अब आपका यहाँ पे क्या आता है, नेक्स्ट है ग्रुपिंग और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई थिंक आपको कम्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे 3+5 भी ले सकते हो एंड 5+3 भी लिख सकते हो, तो बट यहाँ पे क्या है, आंसर हमारा सेम आना चाहिए, ऑर्डर हमारा चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, बट दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, तब वो हमारा क्या होता है, कम्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ग्रुपिंग और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव को आप ग्रुपिंग भी कह सकते हो एंड ग्रुपिंग को आप एसोसिएटिव भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, जब हम 3 और 4 डिजिट को लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, व्हेन 3 और 4 नंबर्स आर एडेड, जब हम 3 या 4 नंबर्स को ऐड करते हैं, रीग्रुपिंग देम डज नॉट चेंज देयर सम, और हमारा सम जो होता है वो चेंज नहीं होता है, तो वो क्या होता है, हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐड नंबर है, ठीक है, हमें यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, यहाँ देखिए 1, 5, 4, 3, 1 ऐड 2, 3, 1, 4, 5, ठीक है, ये 2 डिजिट हुआ है। एंड नाउ ऐड, अब हम क्या करेंगे, इसी में हम इसी डिजिट को हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, 5, 4, 3, 1 ऐड 23,145, एंड इसी में हम ऐड कर देंगे आपका 11, 2, 11। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या है, हमने तीनों डिजिट को ऐड कर दिया है, अब डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2+3+4, देखिए यहाँ पे अभी हमारे 2 डिजिट थे, कॉम्यूटिव प्रॉपर्टी में आया था, अब 2, 3, 2 से 3, 3 से 4 डिजिट जब आते हैं तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आता है, एंड सेम इज इक्वल टू 2+3+4, देखिए यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया है, 3+4, ठीक है, लेकिन 2 से 3 डिजिट हैं, तो ये हमारा एसएसटी, ये हमने आपको स्मॉलेस्ट डिजिट में बताया, ये लार्जेस्ट डिजिट में है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऐड इसी को अब हम डिफरेंट ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, अभी हमने क्या किया था, हमने 11,211 को हमने लास्ट में ब्रैकेट के बाहर लिखा था, अब हम डिफरेंट ऑर्डर में फर्स्ट लिखेंगे 2, 3, 1, 4, 5 ऐड 11,211, फिर हम इसे ऐड कर देंगे, जो अभी देखिए यहाँ पे हमने जो पहले लिखा था अब हम उसे ब्रैकेट से बाहर कर देंगे और बाद में लिखेंगे, तो यहाँ पे ऐड करके 15,431, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुआ। ऐड अब हमने इसी में, ये देखिए इसको हमने ऐड कर दिया है, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे 23,145 ऐड 11,211 ऐड 15,431। आप देख सकते हैं दोनों में, दोनों ऑर्डर में सेम डिजिट है, बट क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस ये हुआ है कि हमने जो पहले लिखा था अब हमने उसे बाद में लिखा है, ठीक है, अब ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है। अब हमारा आता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। यहाँ पे क्या है, किसी भी डिजिट में आप जब जीरो को ऐड करते हो तो डिजिट आपका सेम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, राइट 6 डिजिट नंबर्स, हमें यहाँ पे 6 डिजिट नंबर्स लिखने के लिए कहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 लाख, ठीक है, तो 1 लाख आपका क्या है, 6 डिजिट नंबर्स है। अगर मान लीजिए हम इसमें जीरो को ऐड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जीरो को ऐड करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 लाख ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, देखिए अब यहाँ पे आपका 1 लाख ही रहेगा अगर आप जीरो को ऐड करते हो तो, ठीक है, यहाँ पे देखिए 0+4, ठीक है, आपने ऐड किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 ही आएगा, एंड 4+0 तो भी आपका 4 ही आना है, ठीक है। अब जब हम प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है ये आपकी, अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, नहीं, अगर आगे कोई डिजिट होता तो वो इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाता क्योंकि हम कैरी ले लेते, बट यहाँ हम कैरी नहीं ले सकते हैं, तो आप 4-0, ठीक है, जब आप 4 से 0 को माइनस करेंगे तो आपका 4 डिजिट ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी ख़त्म होता है। अब आपका आता है लेस्ट है थर्ड। लेस्ट है थर्ड में यहाँ पे देखिए आपको क्या है, आपका क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फिल इन द बॉक्सेस देन मैच इच क्वेश्चंस करेक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं एंड प्रॉपर्टी दी हुई है, आपको करेक्ट प्रॉपर्टीज उसे मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 85+98 एंड 98+85, ठीक है, देखिए डिजिट सेम है,
ठीक है, बस ऑर्डर चेंज हुआ है, तो आपको क्या करना है, दोनों का आंसर ऐड करने पे सेम ही आएगा, तो वो क्या है, कॉम्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए 403 प्लस 0, 0 प्लस 403, आप चाहे 403 को 0 में ऐड करिए, या 505 को ऐड करिए, या 203 को ऐड करिए, या 100 ऐड करिए, तो वो सेम ही डिजिट रहना है, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, आपका एडिटिव 0 होता है, ठीक है, 0 से ही समझ जाना चाहिए कि एडिटिव 0 होगा। एंड नेक्स्ट आपका 23 प्लस 12 प्लस 13 एंड 23 प्लस 12 प्लस 13, ठीक है, तो ये आपका क्या है, एसिस्टिव प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे 2 से 3 डिजिट जब हम ऐड करते हैं तो वो एसिस्टिव प्रॉपर्टी होता है, तो ये तो आपको मैंने पहले भी बताया था, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई एसिस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन विद अ नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए 3 डिजिट नंबर्स दिया है, इन 3 डिजिट नंबर्स को आपको इस तरह से एडिशन में लिखना है, ठीक है। जो आप पहले आप 32 एंड 2 डिजिट को ब्रैकेट में ऐड करके लिखोगे एंड प्लस करके थर्ड डिजिट को लिखोगे, फिर जब नीचे आप आओगे तो आप लास्ट के दोनों डिजिट को ऐड करके लिखोगे एंड जो फर्स्ट डिजिट आपने ऐड करके लिखा था ब्रैकेट में उसे आप बाहर कर दोगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एसिस्टिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, लेट्स फाइंड आउट में सिंगल स्टेप एंड वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके। अब हम यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनु कलेक्टेड 22,345 मार्बल्स, ठीक है। अनु ने कितने मार्बल्स कलेक्ट किए हैं, 22,345, एंड राजू ने 21,931 मार्बल्स कलेक्ट किए हैं, तो हाउ मेनी मार्बल्स डिड दे कलेक्ट इन ऑल, तो दोनों ने टोटल कितने मार्बल्स कलेक्ट किए हैं, तो हमें क्या करना है, इसमें एडिशन क्या है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी हमें टोटल पूछा जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या, इसने कहा है कि टोटल कितने उन्होंने कलेक्ट किए हैं, ऑल मीन्स टोटल, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तभी हमारे पास टोटल आएगा। तो फर्स्ट देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स को पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है, पिक्चर के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड 10,000 के अकॉर्डिंग भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। लुक एट दिस, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल आपसे पूछा जाता है तो 22,345 एंड 21,931, आप क्या करेंगे, इसे लिख के ऐड कर देंगे। ये आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वंस टेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं एंड ये हम पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हम करेंगे 5 एंड 1 6, 4 एंड 3 7, 9 एंड 3 12 का 2 1 कैरी, 2 एंड 1 3 एंड 1 4 एंड 2 एंड 2 4, तो टोटल कितना आया, 44,276। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन मार्क दिया है होल टोटल पूछा है, तो ठीक है, तो आप इसे होल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क हटा के हम यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, दोनों ने जितने मार्बल्स इकट्ठे किए हैं हम उसे काउंट करेंगे एंड राइट करेंगे, ओके। तो 44,276, ठीक है, तो दोनों ने 44,276,000 मार्बल्स कलेक्ट किए हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट क्या है आपका, एग्जाम्पल टू में लुक एट दिस क्वेश्चन, देयर आर 144,276 मार्बल्स इन अ शेक, ठीक है, एक थैले में, शेक मीन्स क्या होता है, थैला, एक थैले में 144,276 मार्बल्स हैं एंड अनु टुक 122,345 मार्बल्स आउट ऑफ द लॉट, हाउ मैनी मार्बल्स आर लेफ्ट फॉर राजू। मैंने आपको बताया है जैसे कि टोटल और ऑल में आप हमेशा ऐड करते हो, वैसे आप हमेशा लेफ्ट में क्या करते हो, माइनस करते हो, ठीक है, सबट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है कि थैले में से उसने कितने मार्बल्स निकाले हैं, उसके बाद उनके पास कितने मार्बल्स बचते हैं, ठीक है। तो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग द पार्ट होल मॉडल, हम मॉडल के अकॉर्डिंग भी इसे सॉल्व कर सकते हैं एंड हम इसे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000 के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो है आपका, उसमें क्या है, आप यहाँ पे डायरेक्ट ये लुक एट दिस, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, इसे आप देखिए, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, डिजिट चेंज कर देंगे हम सबट्रैक्ट करने के लिए। एंड सब कुछ सेम है, अनुज, राजूज एंड टोटल, ठीक है, होल टोटल हमें जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें टोटल दिया हुआ है 1,44,276, ओके। एंड सेकंड हमें क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे हम 144,000
276 पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें 100 की पोजीशन से कॉमा दिया हुआ है, ठीक है। एंड 122,345 मार्बल्स, ओके। एंड राजू के पास कितने मार्बल्स हैं, तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 6 में से 5 माइनस होगा तो 1, एंड 7 में से 4 माइनस होगा तो आपके पास कितना आएगा, 3, एंड 2 में से 3 माइनस नहीं होगा तो 1 कैरी लेंगे, एंड 12 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 9, एंड अब हमारे पास कितने हैं, 3, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आएगा, एंड 4 में से 2 माइनस होगा तो 2, एंड 1 1 का 0, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 21,931, ठीक है, 21,931 मार्बल्स। राजू के पास कितने मार्बल्स बचे, 21,931, ठीक है। अब आता है आपका लेट्स ट्राई फोर का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीता परचेज्ड एन ओल्ड व्हील्स, ठीक है, ओल्ड व्हील्स फॉर ₹59,424 एंड स्पेंट ₹8,650 ऑन रिपेयर्स। मीता ने क्या किया, एक पुरानी गाड़ी को ख़रीदा है जिसमें उसने 59,424 रुपीज़ को दे के ख़रीदा है। अब उसमें क्या है, उसने उसे रिपेयर भी करवाया क्योंकि वो पुरानी गाड़ी थी, तो जब पुरानी गाड़ी को रिपेयर करवाया है तो उसने 8,650 रुपीज़ उसमें स्पेंड किया है, तो हाउ मच डिड सी स्पेंड इन टोटल, तो उसने टोटल रुपीज़ कितने स्पेंड किए हैं, मतलब उसने सारे कितने पैसे दिए हैं दुकान वाले को। यूज़ पार्ट होल मॉडल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हमें क्या करना है, उसको एक एक पार्ट के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है, तो ठीक है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हमें दिया है, हमें टोटल कॉस्ट बतानी है एंड कॉस्ट व्हील्स, जितने की उसने व्हील्स वो गाड़ी ख़रीदी है, एंड रिपेयर कॉस्ट जितना उसने उस गाड़ी को सही करवाने के लिए बनवाने के लिए पैसे दिए हैं। अब टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में भी दिया है, विच ऑप्शन विल यू यूज़, आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन को समझिए, टिक द करेक्ट वन प्लस एंड माइनस, तो आप ऐड को चुनोगे क्योंकि इसमें दोनों को ऐड करके ही टोटल्स रुपीज़ निकलेंगे, तो हम क्या करेंगे, 4 एंड 0, ठीक है, तो 4 आया, एंड 2 एंड 5 7, एंड 4 एंड 6 10, 10 का 0 1 कैरी, 9 एंड 8, ठीक है, 8 16 एंड 1 17 एंड 1 18 का 8 1 कैरी, 5 एंड 1 6, तो उसकी टोटल कॉस्ट आती है 68,074, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, ये हमने क्या पिक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है। अब आप सेकंड पॉइंट है आपका, 82,310 पीपल एंड अप्लाइड फॉर अ जॉब, ठीक है, कुछ लोगों ने क्या है जॉब के लिए एप्लीकेशन दी, अप्लाई किया है कि हम कितने लोगों ने किया है, 82,310 लोगों ने, ठीक है। आउट ऑफ विच 31,890 पीपल वेयर सेलेक्टेड, उनमें से 31,890 पीपल क्या हुए हैं, सेलेक्ट हो गए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट गेट सेलेक्टेड, तो कितने लोग उसमें से सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, विच ऑप्शन विल यू यूज़, आप इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज़ करोगे। अब हमें जो सेलेक्ट नहीं हुआ उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, इजीली है कि ज़्यादा में से आप कम को माइनस कर देंगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि कितने लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट को चुनेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट आपको दिया है सेलेक्टेड लोग कितने हैं, 31,890, एंड नॉट सेलेक्टेड हमें निकालना है, एंड टोटल कितना था, 82,310, तो 82,310 में से हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। 0 का कितना आ जाएगा, 0, ओके, एंड 1 में से 9 क्या है, माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे, 11 में से 9 माइनस करेंगे, ठीक है, 9 2 आ जाएगा, एंड अब 3, ओके, तो यहाँ पे अब कितना है, 2, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 कैरी लिया था, 2 में से 8 माइनस नहीं होगा तो 1 कैरी लेंगे, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 4, ठीक है। अब यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा, एंड 8 में से 3 माइनस होगा तो 5, ठीक है। 50,420 लोग सेलेक्टेड नहीं हैं, उतने लोग सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, मिस्टर गुप्ता अबाउट अ न्यू टेलीविज़न, ठीक है, मिस्टर गुप्ता ने एक नया टीवी ख़रीदा है, एंड गेव हिज ओल्ड टेलीविज़न इन एक्सचेंज, ठीक है, और उन्होंने नया टीवी ख़रीदने के लिए क्या किया है, पुराने टीवी को ले जाके दुकान पे दे दिया है, उस नए टीवी को ख़रीदने के लिए उन्होंने पुराना टीवी अपना उस दुकान पर दिया है, ठीक है। हिज ओल्ड टेलीविज़न इन वैल्यू,
वैल्यू, जो पुराना टीवी था उनका उसकी वैल्यू कितनी थी, वो कितने रुपए में उन्होंने दिया, 78,500 एंड न्यू टीवी कॉस्ट, और जो नया टीवी था उनका वो 293,750 रुपीस का था। कितने का था नया वाला टीवी, कौन कौन बताएगा मुझे? ठीक है, तो 293,750, और ओल्ड वाला टीवी कितने का था? 78,500। ओके, जो पुराना वाला था वो कम रेंज का था और जो नया वाला था वो ज़्यादा रेंज का था। व्हाट विल ही पे टू डीलर, ठीक है, तो उन्होंने डीलर को कितने रुपए और पे किए? तो फिल इन द गिवन पार्ट होल मॉडल विद दैट इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसी तरीके से तीन पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो तीन पार्ट में कॉस्ट ऑफ द न्यू टीवी, न्यू टीवी का कॉस्ट लिखेंगे एंड ओल्ड टीवी का कॉस्ट लिखेंगे। न्यू टीवी से ओल्ड टीवी को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड जो आपके पास आएगा वो आपका आंसर होगा। ओके, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 का 1 सॉल्व करेंगे। तो 1 वाला सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करने के लिए हम अब इसे हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे, इसे हम पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका ड्रॉ योर ओवन पार्ट होल मॉडल एंड सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। देयर आर 45,678 मेल्स, ठीक है, कितने लोग हैं, मेल्स मीन्स आदमी, एंड 32,257 फीमेल्स एंड 59,179 चिल्ड्रन इन अ टाउन, एक शहर में 45,678 आदमी हैं एंड 32,257 औरतें हैं, ठीक है, एंड 59,179 बच्चे हैं इन अ टाउन, शहर में। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, ठीक है। तो इसको अगर आप अगर पिक्चर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो तो ईजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, ये आपका है, ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 4 का फर्स्ट है। इसमें आप क्या करेंगे, मेल्स, ठीक है, मेल्स, ओके, तो कितने हैं, 45,678, ठीक है, फीमेल्स, फीमेल्स कितनी हैं, तो यहाँ पे 32,257 एंड चिल्ड्रन कितने हैं, चिल्ड्रन हैं आपके 59,179, ठीक है। अब हमें एक शहर में कितने लोग, टोटल कितने हैं, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड कर देंगे एक साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल, अगर आप पिक्चर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको नंबर ऑफ करके मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आप नंबर ऑफ करके सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी सही है एंड ये भी सही है। इसे आप क्या करना है, डायरेक्ट आपको ऐड करना है, जैसे 8, 7 एंड 9, ठीक है, 24 का 4, 2 कैरी आएगा एंड 7 एंड 5, 12 एंड 7, 19 एंड 20 का 0, 1 कैरी, अब आपका 2 एंड 1, 3 एंड 6, 9 एंड 1, 10 का 0, 1 कैरी, एंड नेक्स्ट आपका 2 एंड 9, 9 एंड 2, 11 एंड 5, 16, 16 एंड 1, 17, 17 का 7, 1 कैरी, एंड 5 एंड 3, 8, 8 एंड 4, 12, ठीक है, 12 एंड 1, 13, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाता है, 1,37,004, ठीक है। तो शहर में कितने लोग हैं, 1,37,004 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं, पिक्चर में है, इसमें भी डेस्कटॉप का कॉस्ट दिया है एंड सीपीयू का कॉस्ट दिया है एंड फाइंड द टोटल कॉस्ट दिया, ठीक है, दिस टू थिंग्स, और आपको क्या बता करना है, इसमें टोटल आपको सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आपको इसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी फर्स्ट वाला सॉल्व कराया है, ऐसे ही आपको सेकंड थर्ड आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे एडिशन करके बताया, एडिशन में हमने यहाँ पे मिस्टेक वाइज 0 लिख दिया था, जो कि यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ऐड करने पे 24 है, 4 आएगा, 2 कैरी होगा एंड ऐड करने पे फिर यहाँ पे 9 एंड 10, 11, 11 का 1 का सॉरी 21 को कैरी, हम 1 लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे, फिर यहाँ पे हमारा 1 करके यहाँ पे 1,37,114 आपका आंसर आएगा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं और आपको मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चंस कराए हैं, ओके।
ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने आपको लेस टाइप 4 तक कंप्लीट पढ़ा दिया था, आज हम लेस टाइप 5 पढ़ेंगे, ठीक है। लेस टाइप 5 में बेटा क्या है कि ये देखिए, लेस फाइंड आउट मल्टी स्टेप वर्ड प्रॉब्लम्स। अभी हमने क्या करा, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे, अब हम मल्टी स्टेप्स वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। मल्टी स्टेप्स मीन्स उसमें आपको एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, ठीक है, और आगे चल के उसमें मल्टीप्लीकेशन भी आ जाएगा। तो अभी आपका देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, अ कुकर कॉस्ट रुपीज़ 5000। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल पेज नंबर 36 पे है, एंड अ जूसर कॉस्ट 1000, रीता हैड 9000 विथ हर, ठीक है। रीता के पास कितने पैसे हैं, 9000 रुपीज़ हैं, एंड सी बाउट बॉथ द थिंग्स, उसने दो चीज़ों को खरीदा है। क्या क्या खरीदा है उसने, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा, कौन कौन बताया कि क्या खरीदा उसने, कुकर और जूसर खरीदा है, ठीक है। कुकर की कॉस्ट कितनी है 5000, एंड जूसर की कॉस्ट कितनी है 1000, ठीक है। हाउ मच मनी इन लेफ्ट विथ हर, दोनों चीज़ें खरीदने के पास उसके पास कितने पैसे बचेंगे, ठीक है। तो उसने कितने रुपीज़ का थे उसके पास टोटल 9000 रुपीज़ थे, एंड 5000 का उसने कुकर खरीदा, एंड 1000 का उसने जूसर खरीदा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे टोटल लिखा है, ठीक है, हु लिखा है, लुक एट दिस टोटल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9000 है, और उसके बाद आप लिखेंगे कुकर, कुकर यहाँ पे आप लिखेंगे 5000, एंड जूसर 1000, एंड मनी लेफ्ट, ठीक है। तो 5000 एंड 1000 कितना हुआ 6000। आप क्या करेंगे, 9000 से 6000 को पहले आपने ऐड किया, देखिए 5000 1000 को ऐड किया तो कितना हुआ 6000, एंड 6000 को आपने 9000 से माइनस किया तो कितना हुआ आपके पास 3000। तो रीता के पास कितने पैसे बचे, 3000 रुपीज़ बचे, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, पंकज बाउट पोस्ट कार्ड्स, पंकज डिफरेंट डिज़ाइन, पंकज ने कुछ कार्ड्स खरीदे हैं जो अलग अलग डिज़ाइन के हैं। ही बाउट 100 ट्रक कार्ड्स, उसने 100 ट्रक वाले कार्ड्स खरीदे हैं। ही बाउट 20 मोर रोज़ कार्ड्स, और उसने 20 रोज़ के कार्ड्स खरीदे हैं, ठीक है। हाउ मैनी टोटल पोस्ट कार्ड्स पंकज वाई इन ऑल, तो पंकज ने टोटल कार्ड्स कितने खरीदे हैं, ठीक है। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स यूजिंग द पार्ट होल मॉडल, ट्रक कार्ड्स, ठीक है, ट्रक कार्ड्स किसने खरीदे उतने 100, एंड उसने रोज कार्ड्स कितने खरीदे 100 प्लस 20, पहले उसने 100 कार्ड्स खरीदे, एंड उसके बाद उसने 20 मोर कार्ड्स, 20 रोज कार्ड्स और खरीदे, ठीक है। तो टोटल 100 प्लस 20 तो कितना हुआ 120, ठीक है। तो 100 रोज ट्रक कार्ड्स, एंड उसने पोस्ट कार्ड डिफरेंट साइज डिफरेंट वाले खरीदे थे, एंड उसने 20 और खरीदे, तो 120 टोटल कितना आता है 120, ठीक है। अब आपका देखिए, इसने अलग सेकंड स्टेप से भी आपको बताया है, जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन करके बताया है, तो इसने क्या किया 100 और 100 उसको उसने ऐड किया है, तो टोटल कितना हो गया 100 उसने ट्रक कार्ड्स खरीदे थे, एंड रोज़ कार्ड्स खरीदे थे, एंड उसने 20 और रोज़ कार्ड्स खरीद लिए, तो टोटल कितना हो गया 220। और टोटल में आप यहाँ कितना लिखेंगे 220, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लेस टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, लुक एट दिस लेस टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, अरुणा हैड रुपीज़ 2000 विथ हर, अरुणा के पास कितने पैसे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अरुणा के पास 2000 रुपीज़ हैं, ओके। शी बाउट द फॉलोइंग आइटम्स, उसने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, आइटम्स मीन्स कुछ चीज़ें खरीदी हैं। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हर, तो उसके पास कितने पैसे बचे चीज़ों को खरीदने के पास, तो उसने क्या क्या खरीदा है, लुक एट दिस बोर्ड, स्वेटर ट्राउज़र एंड शर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अरुणा हैड, अरुणा ने 450 रुपीज़ का स्वेटर खरीदा है, एंड 200 रुपीज़ का उसने ट्राउज़र खरीदा है, एंड रुपीज़ 150 का उसने शर्ट खरीदी है, ठीक है। अब हमें क्या है, 2000 से इनको लेफ्ट करना है, एंड लेफ्ट करने पे हमारे पास जो रुपीज़ बचेंगे, समझ लीजिए उसके पास इतने, अरुणा के पास उतने पैसे बचे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आता है, ऐड, ठीक है, क्या आता है ऐड, पहले हमें ऐड करेंगे, हम इसे कर दिस 450 200 एंड 150, ऐड करने पे 0 एंड 5 10 का 0 1 कैरी 4 एंड 2 6 एंड 7 एंड 1 8 800, ठीक है। तो 8 ये टोटल कितने रुपीज़ हो जाते हैं 800 रुपीज़ हो जाते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ 2000 है, ठीक है, 2000 से हम 800 को माइनस करेंगे, 1 10 100 1000 2000 800 हमने माइनस किया तो 0 0। अब देखिए 8 आपका माइनस नहीं होगा, बट आगे डिजिट है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 1 कैरी ले लेंगे, 10 में से 8 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2, एंड 2 में से 1 माइनस इधर चला गया था कैरी में, तो 1 बचा, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो टोटल उसके पास कितने रुपीज़ बचे, उसके पास रुपीज़
1200 बचे, अरुणा के पास कितने रुपए बचे 1200। ओके, अब आपका आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट का क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन कर रहा है ये आपसे। इस क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न कैसे है कि यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए इसने एक्स्ट्रा डिजिट दिया हुआ है, जो आपको समझना पड़ेगा कि क्या इसने एक्स्ट्रा दिया है और उसका हमारे पास कोई यूज़ नहीं है। लुक एट दिस, कार्तिक स्टार्टेड स्टम्प कलेक्शन। ठीक है, कार्तिक ने स्टैम्प को कलेक्ट करना शुरू किया एंड ही कलेक्टेड 180 स्टैम्प्स ऑफ टाइप ए। टाइप ए में उसने 118 स्टैम्प्स कलेक्ट किए एंड सम स्टैम्प्स ऑफ टाइप बी, और कुछ उसने टाइप बी में कलेक्ट किया एंड इस फोर स्टैम्प्स। कितने स्टैम्प्स? टाइप बी में हमें बताना है कि कितने स्टैम्प्स कलेक्ट किए एंड फोर स्टैम्प्स उसने और अलग से कलेक्ट किए। ठीक है, दैट हैड बीन प्रिंटेड बिफोर 1900 टाइप सी। उसने बिफोर मीन्स पहले, ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा जोर देंगे और समझेंगे कि बिफोर मीन्स पहले, पहले उसने क्या किया था, 1900 टाइप सी में उसने कलेक्ट किया था। अभी नहीं, अभी जो उसने किया है वो आपको अलग दिया हुआ है। ए में उसने 118 किया है एंड टाइप बी में हमें बताना है सम कितने किए हैं एंड फोर स्टंप उसने कुछ अलग से किए थे। और टाइप सी में जो किया था हमें वहाँ पर टाइप सी को नहीं लेना है। ठीक है, हीज एल्बम कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 220 स्टैम्प्स, और उसने 220 स्टैम्प्स टोटल कलेक्ट किए हैं। हाउ मैनी डिड ही कलेक्ट टाइप बी, तो टाइप बी में उसने कितने स्टैम्प्स कलेक्ट किए, यहाँ पे हमें टाइप बी को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हुल, ठीक है, हुल उसने कितना दिया, टोटल कितना दिया, 202 स्टैम्प्स कलेक्ट किए हैं। एंड अब वहाँ पे क्या है, स्टैप वन टाइप ए में, टाइप ए में उसने 100, ठीक है, टाइप ए में उसने 118 स्टैम्प्स कलेक्ट किए हैं। ओके, एंड फोर स्टैम्प्स, ठीक है, जो अलग से कलेक्ट किए हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 118 में 4 को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एंड 4 12 का 2 1 कैरी, 1 एंड 1 2 एंड 1 120। अब आपको क्या करना है, 222 में से 120 को सबट्रैक्ट करना है। लुक एट दिस, 220 से आप 122 को सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, 0 एंड 2 में से 1 कैरी लेंगे, 10 में से 2 माइनस 8 80। ठीक है, तो आपका यहाँ पे टाइप बी में कितने स्टैम्प्स हो जाएंगे, 80 स्टैम्प्स। ओके, कुछ समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता है, कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि मैम हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप पूछिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हैं। आप और मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं एंड कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अब आपका आता है सी पॉइंट। ठीक है, सी पॉइंट में क्या है, सी का क्वेश्चन है आपका, अ क्रिकेट स्टेडियम हैज़ 25,000 सीट्स। ठीक है, एक क्रिकेट का स्टेडियम है, जहाँ आप लोगों ने देखा होगा टीवी में भी, जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है और लोग क्रिकेट को बहुत अच्छे से, बहुत मन से देखते हैं, तो आपने देखा होगा कितना बड़ा स्टेडियम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे 25 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं, 25,000। कितनी सीट्स हैं, 25,000 हैं। इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय 1,289 एडल्ट्स। वहाँ पे बड़ों के लिए 1,289 सीट्स हैं एंड 7,860 सीट्स वहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए है। ठीक है, हाउ मेनी सीट्स आर एम्पटी, वहाँ पे 1,289 बड़े लोग बैठते हैं एंड 7,860 बच्चे बैठते हैं, तो ये बताइए कि वहाँ पर कितनी सीट्स और खाली रह जाती हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, टोटल आपको दिया हुआ है, टोटल कितना दिया है, 25,000। मैंने अभी आपको बताया टोटल सीट्स वहाँ पे 25, होल मीन्स पूरा, जितनी भी सीट्स थी 25,000 हैं। एडल्ट्स के लिए 1,289 हैं, चिल्ड्रंस के लिए 7,860 हैं एंड खाली जो सीटें हैं, ठीक है, वो 15,851 हैं। और यहाँ पे हमें खाली सीटें ही बतानी है, तो वो कैसे आएंगी, लुक एट दिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चिल्ड्रंस और एडल्ट्स की सीट है उसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 7,860 एंड 1,289, इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 9, 6 एंड 8, 14 का 4 1 कैरी, 8 एंड 2 10, 10 एंड 1 11 का 1 कैरी, 7 एंड 1 8 एंड 1 9। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाता है, 9,149। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि टोटल सीट्स कितनी घिरी हुई हैं। अब आप क्या करेंगे, 25,000 में से आप 9,149 को सबट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तभी आपके पास जो खाली सीटें हैं
वो आएंगी। यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपका चैप्टर है, आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में भी मल्टी स्टेप्स वर्ड प्रॉब्लम्स में भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों ही चीज़ें आ रही हैं। अब लुक एट दिस, जीरो में से नाइन माइनस नहीं होगा तो वन कैरी लेते जाएंगे हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो टेन, टेन में से नाइन माइनस वन, नाइन में से फोर माइनस तो फाइव, फिर नाइन में से वन माइनस तो आपका कितना आ जाएगा एट, एंड यहाँ पे कितना है फोर, फोर में से नाइन माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ से वन कैरी ले लेंगे, फोर्टीन, फोर्टीन में से नाइन माइनस करेंगे तो आपके पास फाइव आएगा एंड वन। लुक एट दिस, 15,851, तो जो आपके पास जितनी भी खाली सीटें बची हैं वो 15,851 है। और आई थिंक आप सभी को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अच्छे से आता है क्योंकि वो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, आपको यही चीज़ मैंने दो तीन बार पहले भी पढ़ाई है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपका डी पॉइंट। डी पॉइंट में क्या है, नीतू एंड विनीत है 30 बोर्ड पेंस विथ डैम, ठीक है, नीतू और विनीत दोनों क्या करते हैं बोर्ड पेंस खरीद के लाते हैं 30 एंड दे वांट टू शॉप बाय मोर। इस क्वेश्चन को भी आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इसने कहा है नीतू एंड विनीत है 30 बोर्ड पेंस विथ डैम, ठीक है, दोनों 30 बोर्ड पेंस खरीदते हैं, मतलब दोनों ही 30 खरीदते हैं, ठीक, दे वॉन्ट टू अ शॉप बाय मोर, वाई मोर, और दुकान पे जाके और भी बोर्ड पेंस खरीदते हैं। नीतू अबाउट 50 बोर्ड पेंस, नीतू और 50 बोर्ड पेंस खरीदती है, एंड विनीत अबाउट 10 बोर्ड पेंस, विनीत और 10 बोर्ड पेंस खरीदता है, लेस देन नीतू, ठीक है, तो उसमें क्या है विनीत अबाउट 10 बोर्ड पेंस लेस देन नीतू, नीतू ने जो बोर्ड पेंस खरीदी है उसमें से 10 को वो लेस करता है। हाउ मैनी टोटल बोर्ड पेंस डू दे हैव ऑल टुगेदर, तो दोनों ने कितनी बोर्ड पेंस टोटल खरीदी हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें आंसर के साथ साथ उसको सब्ट्रैक्ट करके भी बताना है कि उसने कितनी बोर्ड पेंस खरीदी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने आपको पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंग न समझाते हुए मैंने आपको नंबर ऑफ करके समझाया है, ठीक है, नंबर ऑफ में इसमें क्या देखिए, नंबर ऑफ नीतू एंड विनीत बोर्ड पेंस 30 into 2, क्यों, क्योंकि दोनों ने ही, देखिए नीतू और विनीत दोनों ने ही 30 बोर्ड पेंस खरीदी थी, तो टोटल कितनी बोर्ड पेंस खरीदी थी 60। अब नंबर ऑफ नीतू अबाउट बोर्ड पेंस, ठीक है, नीतू ने कितनी बोर्ड पेंस खरीदी थी 50, जो दोबारा में वो दुकान पे गए हैं और जो बोर्ड पेंस खरीदी है उसमें नीतू ने 50 खरीदी है एंड विनीत ने 10 बोर्ड पेंस खरीदी हैं। ओके, सो 60 + 50 + 10 120 पिंस, मीन्स दोनों ने टोटल 120 बोर्ड पेंस खरीदी हैं। नंबर ऑफ नीतू अबाउट बोर्ड पेंस, ठीक है, नीतू ने जो बोर्ड पेंस खरीदी हैं 30 + 50 = 80 बोर्ड पिंस खरीदी हैं, और विनीत की उसमें से हमें 10 जो पिंस है वो सब्ट्रैक्ट करनी है तो 70, ठीक है, अब नीतू के पास कितनी बोर्ड पिंस हैं 70 बोर्ड पिंस हैं, तो जो दोनों ने टोटल, हमें यहाँ पे टोटल पूछा है ऑल टुगेदर दोनों ने कितनी बोर्ड पिंस खरीदी हैं, तो दोनों ने यहाँ पर 120 बोर्ड पिंस खरीदी हैं। लुक एट दिस, दोनों ने, ठीक है, टोटल हम करेंगे तो टोटल बोर्ड पिंस 120 पिंस हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पॉइंट। ई पॉइंट में देखिए क्या है, फरा मॉम गेव हर ₹8,000 फॉर शॉपिंग। फरा की मॉम ने फरा को कितने पैसे दिए हैं, ₹8,000 दिए हैं शॉपिंग के लिए, तो शी बाउट अ स्वेटर, उसने क्या किया है ₹1,000 का स्वेटर खरीदा है, एंड टी शर्ट ₹200 और ₹200 की उसने टी शर्ट खरीदी है, एंड शूज़ फॉर ₹3,000 पेयर ऑफ शूज़ का जो जोड़ा है उसने वो ₹3,000 का खरीदा है, ठीक है, तो अब हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ फरा आफ्टर द शॉपिंग, शॉपिंग करने के बाद फरा के पास कितने पैसे बचे हैं, ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, इसमें आपका आता है जैसे 8,000, ठीक है, 8,000 टोटल था, ठीक है, फरा की मॉम ने उसे टोटल कितने रुपीस दिए थे, 8,000 दिए थे, एंड 1,000 उसने स्वेटर खरीदा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं अलग से लिख के उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद ₹200 उसने टी शर्ट खरीदी एंड ₹3,000 उसने क्या शूज़ खरीदे, ओके, तो आप इसे क्या करेंगे टोटल ऐड कर लेंगे, ओके, तो 0, 0 and 2, 3 and 1, 4, टोटल 4,200। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 8,000 से हम 4,200 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचे हुए पैसे हमारे पास आ जाएंगे, 4,200 में से हम, सॉरी 8,000 में से आप 4,200 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, 0, 0 and 2, 0 से माइनस नहीं हो सकता है तो हम 1 कैरी लेंगे, 10 में से 2 माइनस 8 एंड 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, तो टोटल उसके पास कितने पैसे बचते हैं 3,800 रुपीज़, ठीक है, 3,800
रुपीज़। आपने क्या किया, ये अलग से ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपने अपने आंसर को सही कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, इसे इरेज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, लेट्स ट्राई सिक्स। ठीक है, लेट्स ट्राई सिक्स में ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, लेट्स फाइंड आउट आता है एस्टिमेटिंग द सम एंड द डिफरेंस। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हम सम्स कर रहे हैं उसमें देखना है कि कितना डिफरेंस है, कितने डिजिट का डिफरेंस है, उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे राउंडिंग करना है, हमें राउंड अप पढ़ना है। आपको राउंड अप मैंने पहले भी पढ़ाया है, आपने टेंस डिजिट तक, हंड्रेड डिजिट तक, थाउजेंड डिजिट तक पहले राउंड अप किया है। अब आज आपको वही चीज़ करनी है। ठीक है, थाउजेंड के नियरेस्ट हम राउंड अप करेंगे। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखिए आपका दिया हुआ है एस्टिमेटिंग हेल्प अस टू फाइंड द आंसर दैट इज़ क्लोज टू एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, जो डिजिट हमें दिया होता है राउंड अप करने में, हमें उसके एग्जैक्ट उसी के आंसर को देख, उसके नियरेस्ट आंसर को देख करना होता है। यू कैन राउंड ऑफ एस्टिमेट अ सम ऑफ और अ डिफरेंस। ठीक है, तो कितना उसमें डिफरेंस है, लुक एट दिस नंबर राउंडिंग 23,498 टू नियरेस्ट 1,000 के नियरेस्ट करने के लिए हम हमेशा 100 डिजिट को चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जीरो से लेके फोर तक जो होता है वो राउंड डाउन में आता है, एंड फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये हमारा राउंड अप में आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो डिजिट है अगर वो फोर से कम है, ठीक है, डाउन है, जैसे आपका वन टू थ्री फोर है, तो आप क्या करोगे उसमें वन ऐड करके आप आगे डिजिट को कर सकते हो। एंड अगर आपका फाइव से अपर होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम डिजिट रहने देंगे। अगर आपका फोर तक डिजिट आता है, ठीक है, तो आप आगे वाली डिजिट में, जैसे आपके फोर से आगे क्या है, थाउजेंड की पोजीशन पे, टेन थाउजेंड की पोजीशन पे 23,000 है, तो आप क्या करोगे वही डिजिट रहने दोगे अगर आपका राउंड डाउन है। ठीक है, अगर आपका राउंड अप आता है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आता है, तो आप क्या करोगे उसके आगे वाले डिजिट को, ठीक है, हंड्रेड की पोजीशन से जो थाउजेंड टेन थाउजेंड की पोजीशन में, उसमें वन प्लस करके आप उसको आगे बढ़ा के उसको एक डिजिट आगे करके नियरेस्ट उसको राउंड अप कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे फोर है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 23,000 आ जाएगा। ठीक है ना, 23,000 आपने लिखा, राउंड अप किया अगर आपने कम में। अगर आपका यहाँ पे फाइव से अपर होता, राउंड अप होता, तो आप यहाँ पे 24,000 करते। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, सो राउंडिंग 23,498 टू नियरेस्ट 1,000 विल बी 23,000। ये देखिए यहाँ पे आपने शो भी किया हुआ है। अब एग्जांपल वन देखिए, एस्टिमेट द सम ऑफ 4,731 एंड 1,429। यहाँ पे आपको डिजिट दिया हुआ है, दोनों डिजिट को आपको सॉल्व करना है, उसको राउंड अप करना है। तो राउंड अप हम यहाँ देखिए कैसे करते हैं, 4,731 सेवन जो आ रहा है, देखिए 4,700 अभी हमने कहा था, यहाँ पे आपको बताया था कि 100 की पोजीशन हम चेक करते हैं, तो 100 की पोजीशन पे आपका क्या है, सेवन है, तो वो क्या है, राउंड अप है, राइट, ये राउंड अप में आता है। ठीक है, एंड ये आपका डाउन में आता है, जहाँ डाउन होता है वहाँ हमारा आगे वाले डिजिट थाउजेंड की पोजीशन पे जो होता है वो चेंज नहीं होता, जो राउंड अप में आता है तो वो थाउजेंड की पोजीशन पे चेंज, एक डिजिट प्लस हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आपका हंड्रेड की पोजीशन पे सेवन है, राइट, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राउंड अप। ठीक है, क्योंकि आपका थाउजेंड की पोजीशन से पहले राउंड अप है, तो यहाँ पर आपका 5,000 हो जाएगा। यही मैंने अभी आपको बताया ना कि राउंड अप होता है, तो आप आगे वाले डिजिट में वन ऐड कर दोगे, उसको एक डिजिट बढ़ा दोगे, ठीक है, क्योंकि वो अब 5,000 के नियरेस्ट है। अगर आपका राइट डाउन होता है, ठीक है, यहाँ देखिए आपका डाउन है, फोर है, 1,400 हंड्रेड की पोजीशन पे फोर है, तो ये आपका क्या है, राउंड डाउन है, तो ये स्टे सेम, आगे वाला डिजिट सेम रहेगा और वो उसी के नियरेस्ट आ जाएगा। लुक एट दिस 1,000, ये वाला जो डिजिट है वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन राउंड डाउन राउंड अप में ये वाला डिजिट चेंज हुआ है, 5,000 हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे हमारा 4,731 है, तो 100 की पोजीशन पे 7 है, अप है, तो हम यहाँ पे 5,000 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1,429 है, तो यहाँ पे हमारा 1,000 आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, 0,0,5 and 1,6,000 आता है। ठीक है, राउंड अप करने पे, अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ क्या आता है, 4,000 आता है। ठीक है, देखिए 4,000 आता है, ये क्या, सब्ट्रैक्ट करने पे, ये हमने क्या किया है,
राउंड अप किया है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, लेट्स ट्राई 6 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, अब आपका लेट्स ट्राई 6 तो शुरू होता है। लेट्स ट्राई 2 में देखिए, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको राउंड अप करके बताती हूँ, कुछ क्वेश्चन आप राउंड अप करेंगे, ठीक है, लेट्स ट्राई 6 के ही। तो देखिए 10, यहाँ 10th की पोजिशन तक आपको दिया है, 58 है, ठीक है। तो आप 8 को चेक करेंगे, ठीक है। तो 8 को आप क्या चेक करेंगे, तो ये क्या है, 8 जो है वो राउंड अप में आता है, 5 से लार्जेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 लिखेंगे एंड 72 क्या है, ये आपका राइट राउंड डाउन है, ठीक है। तो आपका सेम डिजिट रहेगा, तो यहाँ पे आपका 70 रहेगा, ओके। तो आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है 0, 6 and 6, 12 and 1, 30, तो 130 आपका आंसर होता है। अगर आप इसे राउंड अप करते हो तो ये आपका 130 आया। एंड इसी तरीके से मैंने सी पॉइंट बताया है, क्योंकि बी पॉइंट में आपका 100 की पोजीशन तक इजीली आप सॉल्व करोगे। अब आपका 1000 आता है, ठीक है। 1000 में ये देखिए, 100 की पोजीशन को हमने कहा था चेक करने के लिए, तो यहाँ पे 1 आता है, तो 1 क्या है, राउंड डाउन में है, डाउन है, तो हम 9 वाला जो पोजीशन है वो हमारा सेम रहेगा, 9000 हो जाएगा, ठीक है। एंड अब यहाँ देखिए आपका 5 आता है, ये राउंड अप में आ जाता है, तो यहाँ पे आपका 8000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐड करना है, तो 0, 0, 0 and 16 and 1, 17, 17,000 आपका आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या है, आप यहाँ पे एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट भी आपका 1000 की पोजीशन तक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपने ये देखा, ये आपका क्या है, राउंड अप में है, तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे आपका 9000 हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका देखिए 2 है, 2 क्या है, राउंड डाउन में है, यहाँ 4 है, तो ये हमारा 4000 ही रहेगा, यहाँ 5000 नहीं होगा, ये भी ऐड है, तो हम यहाँ पे भी एडिशन करेंगे, 9 and 4, 13, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 13000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, इसमें आपका दिया है 1 ईयर एगो, ठीक है, एक साल पहले अ पॉन्ड हेल्ड 4016 लीटर्स ऑफ वाटर इन इट, ठीक है। एक तालाब था जिसमें 4016 लीटर पानी था। दिस ईयर ड्यू टू रेन, इस साल क्या हुआ है, बारिश की वजह से द क्वान्टिटी ऑफ वाटर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 7845 लीटर। बारिश का पानी जो गिरा है उसकी वजह से तालाब का पानी जो है वो बढ़ के 7845 लीटर हो गया है। अबाउट हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डज द पॉन्ड करंटली होल्ड, चूज द बेटर एस्टिमेट, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ है, पानी बढ़ के जो हो गया है वो बढ़ गया है, तो अब दोनों का पानी, ठीक है, 4016 लीटर्स में ऑलरेडी था एंड अब उसका पानी 7845 और बढ़ गया है, तो अब टोटल वाटर उसका कितना होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, आपको यहाँ पे 2 डिजिट दिए हुए हैं और उसमें से बताना है क्वेश्चन को सॉल्व करके कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट देखिए, अ पॉन्ड इन अ वाटर, पॉन्ड में पहले 4016 लीटर वाटर था एंड क्वान्टिटी ऑफ वाटर इंक्रीज टू रेन, रेन से में अब जो बारिश हुई है उसका पानी 7845 लीटर और बढ़ गया है, ठीक है। तो जब बढ़ने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले राउंड अप करना है। राउंड अप हम करेंगे तो देखिए 100 की पोजीशन पे क्या है, 0 है, तो ये 4000 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें 2 डिजिट जो दिए हैं वो भी राउंड अप में ही दिए हैं, देखिए 12000 and 11000 दिया है, ठीक है। तो 11000 and 12000 दोनों राउंड अप में हैं, तो 7845, अब ये देखिए ये राउंड डाउन राउंड अप में दिया है, 5 से अपर है, ठीक है, 4 से अपर है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ वाला डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 8000, क्योंकि ये 8000 के नियरेस्ट है, 7000 के नहीं, क्योंकि 4 तक डिजिट होता तो ये 7000 के नियरेस्ट होता, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें टोटल पानी बढ़ के कितना हो गया है, लुक एट दिस, 0, 0, 0, 8 and 4 कितना होता है, कौन मुझे बताएगा, 12, ठीक है, 4000 and 8000, तो कितना पानी हुआ, 12000 हुआ, तो जो हमारा 12000 है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपके बुक में जो आपको 2 डिजिट थी उसमें से 11000, 12000 आपका सही आंसर है। अब देखिए बी वाला आंसर, बी वाला क्वेश्चन क्या है आपका, अ चीफ सर्व्ड अ टोटल ऑफ 506 गेस्ट इन अ ईयर, ठीक है। एक साल में वो क्या करता है, जो चीफ सैफ होता है वो 506 गेस्ट को सर्व करता है, ऑफ दोज गेस्ट 107 वेयर एडल्ट, ठीक है, और जिनमें से क्या होता है कि 107
सात लोग जो होते हैं वो बड़े होते हैं, एडल्ट्स जवान होते हैं, फाइंड आउट हाउ मैनी चिल्ड्रन हैज़ द सेफ सर्व ड्यूरिंग द ईयर, तो उस साल उसने बच्चों कितने बच्चों को सर्व किया है, चूज़ द बेटर एस्टिमेट, ठीक है, सही आंसर को आपको चूज़ करना है। तो इसमें क्या है, 506 आपको दिया है और आपको आंसर में 600 and 500 दिया, तो कौन सा आंसर आपका सही है, तो 506 लुक एट दिस टेंस की पोजीशन देखेंगे, जब हमें 100 का पूछेगा तो टेंस पे जीरो है तो 500 ही हमारा रहेगा, ओके। एंड 107 आपको दिया है, ठीक है, तो 107 का क्या रहेगा, 100 रहेगा। अब उसने क्या कह रहा है, बच्चों का निकालने के लिए कहा है, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो सबट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे हमारा एडिशन था एंड यहाँ पे हमारा सबट्रैक्ट है, तो 0 0 एंड 5 में से 1 माइनस होगा तो आपका 506। सॉरी, हाँ, 100 की पोजीशन से पूछा है तो यहाँ पे आपका 600 हो जाएगा, ठीक है, 100 की पोजीशन पे 5 है तो, एंड 100, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 में से 1 माइनस होगा तो आपका 500, तो आपका आंसर दिया है 600 and 500, तो आप क्या करेंगे, 500 वाला आपका एस्टीमेट सही होगा, ओके। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है स्टूडेंट्स। अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आता है या आपको लगता है कि हम इसे नहीं कर पाएंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं एंड मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं।